हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, क्योंकि ये कला हर इंसान को आनी चाहिए। जब हम किसी से भी बात करें तो हम बात करने से ही, यानी हमारे बात करने से, मिलने से, जुलने से ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग हमसे फौरन इम्प्रेस हो जाएं और वो हमसे दोबारा मुलाकात करने की सोचें, या हमारे फ्रेंड्स बन जाएं, या जो भी काम हम उनसे करवाना चाहते हैं वो हमारा काम हो जाए। तो ये इम्प्रेस करने की कला जो है ना, वो हर इंसान को आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह पर जो ऐड आता है, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का होता है, और उसी में उन लोगों को इम्प्रेस करना होता है। अगर जो उससे इम्प्रेस हो गया तो आप समझ लीजिए बस उसके प्रोडक्ट खटाखट बिकने शुरू हो जाते हैं। आप तो ये समझते हैं ना ये बात तो। और इसलिए अगर हम किसी को भी हम इम्प्रेस करेंगे तो हमारे अंदर भी वो हुनर होना चाहिए, वो कला होनी चाहिए, वो आर्ट होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं। इम्प्रेस तो हमें किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे बिजनेस में भी इम्प्रेस हम लोगों को कर सकते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्रेस कर सकते हैं, या किसी भी नौकरी का या छोकरी का, कोई भी चीज़ हो, उसमें इम्प्रेस तो करना ही पड़ता है ना। बिना इम्प्रेस के तो कोई बात ही नहीं बनती। तो इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहला पॉइंट इसका यह है कि हमारी जो ये लैंग्वेज है, इसमें एक मिठास होनी चाहिए। एक बात करने का जो सलीका है या बात करने का जो ढंग है, वो इतना प्यारा होना चाहिए ताकि हमारी बातों से सामने वाले को ये लगे कि हाँ, वाकई ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से बात करता है। यानी बात करने की कला होनी चाहिए, बात में आपकी बात करने में इतनी मिठास होनी चाहिए कि दूसरा इंसान हमसे इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि अगर हम अपना एटीट्यूड दिखाएंगे या हम अपनी तड़ंग में होंगे कि यार हम इससे क्यों बात करें, या हम हमारा क्या है, मतलब हम क्यों बोलें इससे ऐसे, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो इम्प्रेस करने के लिए आपको अपनी ज़बान में मिठास लानी पड़ेगी, यानी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं लाइएगा, थोड़ा ऐसी बोलिएगा ताकि दूसरे लोग हमारी बात सुने। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको चाहिए कि दूसरे लोगों की बात सुने, ना कि खुद बोलें। क्योंकि दूसरे लोगों की बात सुनेंगे और बात सुनने के साथ साथ आपको उसका रिएक्शन भी देना है। यानी जब कोई दूसरा हमसे बात करे तो उस पर बीच में हमें बोलना भी पड़ेगा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो, या आपकी बात ही सही है, या बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या उसकी बात को जब वो बोले तो उसकी बात को हमें गौर से सुनना होगा, ताकि उसको लगे भाई ये हमारी बात सुनने में थोड़ा इंटरेस्टेड है। अगर आप उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर वो आपसे मुतासिर नहीं होगा, यानी वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। तो आप जब दूसरे की बात सुनेंगे तो तभी तो वो अपनी बात कहेगा और आपको उसको लगेगा कि हाँ जी, ये मेरे दोस्त बनने के काबिल हैं, यानी इनसे फ्रेंडशिप भी की जा सकती है, अच्छे हैं, या कोई भी हो, एनीथिंग, बिजनेस में हो या किसी भी मामले में हो, ये तो हर मामले की बात है, हर चीज़ की बात है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप जब भी किसी से बात करें तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। ये भी नहीं कि वो अपनी कोई गम की बात बता रहा और आप हंस रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप बात करें उससे या उसकी बात सुने तो थोड़ा स्माइली फेस होना चाहिए, क्योंकि मुरझाए हुए चेहरे किसी को पसंद नहीं आते, और लोग ना उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ना ही कुछ रिलेशन रखना चाहते हैं, उदास लोगों से कोई भी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए नंबर 3 मैं आपसे यही कहूँगी, थोड़ा स्माइली फेस होना चाहिए आपका। और 4th बात मैं आपसे ये कहूँगी कि अक्सर ये है, आजकल का कुछ माहौल सा बन गया है कि लोग जो है वो थोड़े हर चीज़ को देखते हैं, आपकी ड्रेस को, जैसे आप अच्छे से ड्रेस पहने, अपना हेयर का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़े गॉगल्स वगैरह लगाएं, थोड़े परफ्यूम वगैरह ऐसे छिड़क कर जाएं, ताकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है वो आपसे थोड़ी आपकी लुक देखकर आपसे इम्प्रेस हो जाए।
और सिक्स बात मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप किसी से भी मिलें तो उसकी हेल्प करने की सोचें, क्योंकि आप जब उसकी थोड़ी हेल्प करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए थोड़ी जगह बन जाएगी, और आप उसकी हेल्प करें, क्योंकि तभी तो आप उससे हेल्प ले पाएंगे। उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, जैसी भी हो, तो इससे भी आप दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आप दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर पाते हो। अपने एटीट्यूड में मत आइएगा ना, ये दिखाइएगा अपनी, छोड़िए या अपनी कोई भी बात बड़ी बड़ी करके बताइएगा, कुछ नहीं। दूसरे के सुनने में ज़्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं। आप भी बात करिए, आप भी उससे बात करिए। ऐसा ना हो कि आपने जब बातचीत करी उससे और उस आपने उसकी बात सुनी, तो ऐसा होता है ना, तो आपके जाने के बाद फिर वो कहेगा, हाँ भाई, इंसान तो बहुत अच्छा है, इसने मेरी बातें थोड़ी गौर से सुनी, वो दोबारा भी मुलाकात आपसे करने के लिए राज़ी होगा। तो इससे हमारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा सा पड़ेगा और सामने वाला हमसे इम्प्रेस होगा। तो इंसान को चाहिए कि अपना एटीट्यूड नहीं दिखाए, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। और ये भी होता है, सेवन बात मैं आपसे ये कहूँगी कि उसकी जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो, लुक वाइज हो, या उसके काम में हो, या उसके बिजनेस में हो, किसी भी तरीके की बात हो, अगर आपको कोई सी बात अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ़ कर दीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी तारीफ़ सुन के नाराज़ होगा, हर इंसान को अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है, तो उसकी तारीफ़ कर दीजिए, तो उसके दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ जाएगी और जगह हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, और अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इनको आजमाइए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।